अब देखो एक नया चैप्टर में शुरू करेंगे, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, कहने को तो अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है। इसके अंदर अपन लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक्चुअली 5 चैप्टर का संग्रह है। सबसे पहले बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद फिर अपन लोग लोकस पढ़ेंगे। लोकस पढ़ने के बाद सही मायनों में स्ट्रेट लाइंस पर आएंगे। स्ट्रेट लाइंस के बाद अपन पढ़ेंगे फैमिली एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और एक आखिरी चीज, एक गजब का कंसेप्ट है, होमोजिनाइजेशन। बस बेसिकली हाँ, होमोजिनाइजेशन ये पढ़ेंगे, मतलब कंसेप्ट है जो अपन, ये चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर है। लंबा चैप्टर इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा है, इसलिए कि अपन कितने 5 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लोकस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर पर आएंगे, उसके बाद फैमिली एंड पेयर ऑफ लाइंस पर आएंगे, और फिर लास्ट में किस पर आएंगे, होमोजिनाइजेशन। इसकी अपन लोग बात करेंगे। आज हम लोग शुरुआत करते हैं 10th क्लास में, मैंने कहा था हल्की फुल्की कोऑर्डिनेटरी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान से सुनना है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि शायद 10th क्लास में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये कहता है एक्स एक्सिस और ये कहलाता है वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन, ये दोनों एक्सिस मिलके इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में बांटती है। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें 2 चीजें बतानी होती है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अभी एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, ज्योमेट्री समझो। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जबकि वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2,3 है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, और इसका मतलब ये भी हो गया कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट 2 का मतलब क्या हुआ कि उसकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 2। x कोऑर्डिनेट क्या देता है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, और y कोऑर्डिनेट क्या देता है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ओरिजिन पर खड़े हो तो 2 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस चलो, 3 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस चलो, 2,3 पर पहुंचो। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसका एड्रेस है, उसका लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर कोऑर्डिनेट a कॉमा b है, इसका मतलब है कि अगर ओरिजिन पर खड़े हो तो x एक्सिस के अलोंग a यूनिट्स चलो, फिर y एक्सिस के अलोंग b यूनिट्स चलो, पहुंच गए कहां पर, a कॉमा b, पहुंच गए कहां पर, a कॉमा b। क्या बात समझ में आई, कॉपी करो। अरे देखो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो समझ में आई है, ओके। अब एक बार और आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात और जिसका यूज आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिकल मतलब समझ लो। अगर आप बोलते हो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिकल मतलब होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी,
और वाई कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिकल मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, और ये इस पॉइंट का एड्रेस बताता है। एड्रेस किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, सब किसी न किसी फ्रेम के रिलेटिव है। 0.0 तो 0.0 पर खड़े हैं और आपको 2.3 पर जाना है। क्या मतलब है? एक्स के पैरेलल 2 चलो, वाई के पैरेलल 3 चलो, 2.3 पर पहुंचे। क्या बात समझ में? ये बात ध्यान रखो, इसका यूज करूंगा मैं बाद में। ए कॉमा बी उसका एड्रेस है। जब आप बोलते हो इसका एड्रेस ए कॉमा बी है, इसका मतलब अगर आप ओरिजिन पर खड़े हो तो ए यूनिट्स एक्स एक्सिस के अलोंग चलो, बी यूनिट्स वाई एक्सिस के अलोंग चलो, पहुंच गए आप कहां पर? ए कॉमा बी पर। क्या बात समझ में आई सब बच्चों? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, ये तो हो गया सिंपल सी छोटी सी बात। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस d होगी वो बड़े आराम से निकल के आ जाएगी, वो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। टेंथ क्लास में इसका प्रूफ भी था, लेकिन अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्या समझ में? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें प्रूफ करते थे। डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से हम बहुत सारी चीजें प्रूफ करते थे। सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल की ज्योमेट्री सब बच्चों को पहले लोगों ने खास बात करेंगे। अगर तीनों साइड इक्वल है तो क्या होगा? ऑल थ्री साइड्स इक्वल, तो ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत ही आसान सा है। अगर मैं आपको तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दूं, क्या दे दूं? तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मैंने आपको अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे, मैंने ए कोऑर्डिनेट दे दिया, बी कोऑर्डिनेट दे दिया, सी कोऑर्डिनेट दे दिया, और तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट देकर मैंने पूछा आपसे बताओ कैसा ट्रायंगल है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, सी ए डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीनों डिस्टेंसेस निकाल लेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ रुको, एनी टू इक्वल, अगर कोई दो बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर नो टू इक्वल, कोई भी दो बराबर नहीं, तो ये हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। मेरे ख्याल से बहुत इजी है। इसके अलावा आता है क्वाड्रिलेटरल। चार पॉइंट दे देते हैं, पूछते हैं रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। रुको, यहीं पर हम डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से बोर्ड पर देखें ज्योमेट्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बोर्ड पर देखें। दो चीजें मुझे याद है, अपन ने टेंथ में पढ़ी थी, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा हल्का सा सेक्शन फॉर्मूला। यस, अभी हम केवल डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, अभी सेक्शन फॉर्मूले पर आएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से अगर मैं ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे दूं, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दूं, तो क्या हम पता लगा सकते हैं ट्रायंगल कैसा है? बिल्कुल। अब मेरे मन में इच्छा उमड़ रही, गुरुजी क्वाड्रिलेटरल। मान लो मैं क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स आपको दे देता हूं, ए बी सी डी। कैसे पता करेंगे कि ये स्क्वायर है? स्क्वायर में क्या करना है? हाँ, ए बी बी सी सी डी डी, एंड चारों साइड बराबर तो रोम्बस में भी हो सकती है, डायगोनल्स भी इक्वल, एंड ए ए सी इज इक्वल टू बी डी। ध्यान दो, अगर चारों साइड बराबर डिफरेंस करना सीखो, चारों साइड बराबर है और डायगोनल भी बराबर है तो स्क्वायर है। अब यहीं पर रोम्बस कब होगा? बोर्ड पर देखें, रोम्बस होगा जब साइडें तो बराबर हो एंड डायगोनल बराबर ना हो। साइडें तो बराबर हो एंड डायगोनल बराबर ना हो। अब रेक्टेंगल कब होगा? रेक्टेंगल होगा जब अपोजिट साइड इक्वल हो, ए बी इज इक्वल टू सी डी बट नॉट इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी।
यानी ये दोनों आपस में बराबर हो और ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये आपस में बराबर ना हो जाए। एंड डायगोनल्स एसी गुड बराबर, और यही चीज पैरेललोग्राम हो जाएगी अगर अपोजिट साइड्स बराबर हो एंड डायगोनल बराबर ना हो। बाइसेक्ट बाइसेक्ट तो सेक्शन मामला पढ़ा ही नहीं ना भी अपन ने, अभी तो हम सेक्शन मामला पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हमने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से हम क्वाड्रिलेटर का टाइप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से केवल बात कर रहा हूं। तो अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इतना कर सकते हैं, काफी सारा खेल सकते हैं, ट्रायंगल का प्रकार बता सकते हैं, इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलिन है, क्वाड्रिलेटरल का प्रकार बता सकते हैं, स्क्वायर है कि रोम्बस है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है, या इनमें से कोई भी नहीं है, मान लो कोई भी सेट नहीं बैठा तो कोई नहीं भाई साहब। तो एग्जैक्टली सुनना, आप देखो यहां से प्रॉपर्टी पर भी ध्यान दो, स्क्वायर और रोम्बस में दोनों में चारों साइड बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर के अंदर डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते। समझ में आया? क्या डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से आप काइंड ऑफ ट्रायंगल एंड काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर बता पाएंगे? अरे बता पाएंगे डिस्टेंसेस निकाल के, कॉपी कर ले। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लिया, और डिस्टेंसेस नाप नाप के हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं कि भाई एक क्वाड्रिलेटर कौन सा, ट्रायंगल कौन सा। एक और बहुत बेसिक फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन करते हैं इन पर, वो है सेक्शन फॉर्मूला। थोड़ा सेक्शन फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। इससे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला बताऊं, आओ कुछ ज्ञान की बातें करूं। ए एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन और बी एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू। सुनना है, पहला मेरा सवाल ये है, पहला मेरा सवाल ये है, इस पूरे प्लेन में, ये बोर्ड का प्लेन है अपना या एक्स वाई प्लेन जो भी प्लेन कहना चाहे, इस पूरे प्लेन में ऐसे कितने पॉइंट्स पी होंगे ताकि एपी अपॉन बीपी कांस्टेंट कोई ना कोई फिक्स रेशियो में हो। कौन जैसे सवाल ढंग से ना समझ में आती हूं, समझो कि ऐसे कितने पॉइंट पी होंगे ताकि एपी डिस्टेंस अपॉन बीपी डिस्टेंस लेट से 3/2 हो जाए। ऐसे कितने पॉइंट पी होंगे इस प्लेन में ताकि एपी अपॉन बीपी 3/2 हो जाए? इनफाइनाइट, ध्यान रखना इस बात को। एपी अपॉन बीपी एक फिक्स रेशियो ले लें, 3/2, 4/5, 9/3, कुछ भी, कोई ना कोई एक फिक्स रेशियो ले लें। ए की दूरी पी से डिवाइड बाय बी की दूरी पी से एक कांस्टेंट रेशियो में आए, एक फिक्स रेशियो में आए, हमेशा एक ही आए, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। समझना, ये मैंने पी ऑन प्लेन की बात की। अगर मैं यहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछूं, कैसे कितने पॉइंट पी होंगे इस लाइन ए बी पर, किस पर, लाइन ए बी पर, अब मैं बोलूं पी ऑन लाइन ए बी, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे ताकि एपी अपॉन बीपी किसी फिक्स रेशियो में आ जाए? टू, ऐसे दो ही पॉइंट होंगे। यस, वन एक इंटरनल, सुनो ध्यान से, एंड वन एक्सटर्नल। आइए इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब समझा, नहीं होगा, एक ही साइड होगा। सुनते हो, मान लो एपी अपॉन बीपी, एपी अपॉन बीपी दूरी मान लो 3/2 ले लेते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ए से पी की दूरी ज्यादा है और बी से पी की दूरी कम है। अब सुनो ए बी, ए से पी ज्यादा दूरी पर होगा, सुनते हो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, ए से पी ज्यादा दूरी पर होगा तो एक तो इंटरनल डिवीजन होगा, एक तो पी पॉइंट इधर आ जाएगा ताकि एपी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बीपी डिस्टेंस 3/2 हो जाए। और एक और केस बन सकता है, बोर्ड पर देखें, एक और केस बन सकता है कि पी पॉइंट इधर आ जाए,
ताकि वापस से एपी डिस्टेंस अपॉन बीपी डिस्टेंस 3/8 हो जाए। अब इधर देखो, पी पॉइंट ए के इधर नहीं आ सकता, क्योंकि पी पॉइंट इधर लोगे तो पी ए हमेशा पी बी से छोटा ही होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पी ए पी बी से बड़ा हो। दो, एक इंटरनल, इंटरनल का मतलब है ए और बी के बीच में, ए और बी के इंटर में, और एक्सटर्नल का मतलब ए और बी के बाहर। दो पॉइंट पी होंगे, कितने पॉइंट पी होंगे? दो। सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनो, अगर प्लेन में बात करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, लेकिन अगर लाइन ए बी पर बात करोगे तो दो पॉइंट होंगे जो ए और बी को किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करें, जो ए और बी को किसी कॉन्स्टेंट रेशियो में डिवाइड करें। एक होगा इंटरनल और दूसरा होगा एक्सटर्नल, एक होगा इंटरनल और दूसरा होगा एक्सटर्नल। बोर्ड पर देखते हो, मान लो हम ले लेते हैं कि एपी अपॉन बीपी एम बाई एन का रेशियो है, कौन सा रेशियो है? एम बाई एन। तो यहां पर भी ए एम इज टू एन के रेशियो में, और यहां पर भी एम इज टू एन के रेशियो। अब इधर देखो, जो इंटरनल में तो ए और बी के बीच में होगा, लेकिन एक्सटर्नल में वो बी के इधर हो सकता है या ए के इधर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एपी बड़ा है कि बीपी बड़ा है। अगर एपी बड़ा है तो ए से दूर होगा, तो ए से दूर होगा तो बी के पास होगा, और अगर बीपी बड़ा है तो बी से दूर होगा तो ए के पास। समझ में आया? सिंपल लॉजिक है, ए बी के बीच में इंटरनल डिवीजन, ए बी के बाहर एक्सटर्नल डिवीजन। जब ए बी के बाहर की बात चल रही है तो बी के इधर भी हो सकता है या ए के इधर भी हो सकता है, वो डिसीजन कैसे लोगे? इसको देख। यस, ए पी बड़ा हुआ तो ए से दूर है तो बी के पास है, बीपी बड़ा हुआ तो बी से दूर है ए के पास है। क्या बात समझ में आई से बच्चों? बोर्ड पर देखते हो, आओ इसका फॉर्मूला लिखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, इसका चुन्नू सा फॉर्मूला है, बोर्ड पर देखिए। मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है। मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है। अब सुनते हो, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एम इंटू दिस, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, एम को इससे और एन को इससे। तो इंटरनल डिवीजन में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि इसको एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस। ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, इंटरनल। देखो इसको याद रखने का बहुत इजी तरीका है, बात अगर घर के अंदर रहती है तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, लेकिन घर का कोई राज घर से अगर बाहर निकल जाए तो बहुत नेगेटिविटी होती है, लोग बहुत बातें कहते हैं। अब देखो यहां पर भी बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई, एन किससे जुड़ा? ए से। एन किससे जुड़ा? बी से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो एम मल्टीप्लाई होगा इससे और एन मल्टीप्लाई होगा इससे, यहां पर ही क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन बात घर के बाहर निकल गई है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, एम माइनस एन एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम। ध्यान रखो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला एक जैसा दिखता है, लेकिन इंटरनल डिवीजन में दोनों में प्लस प्लस आता है, एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों में माइनस माइनस आता है। याद रखने की बात सिंपल है कि अगर ए बी के बीच में कोई बात है और बीच में रहेगी सब पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर ए बी की बात घर के बाहर निकल गई तो नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा? माइनस माइनस साइन लगेगा, इंटरनल डिवीजन में क्या होगा? प्लस प्लस साइन लगेगा। दो और शब्द यहां बताने हैं, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम क्यू कह देते हैं, क्या कह देते हैं? क्यू कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू कह सकता है। चलो कॉपी कर लो, पहले कॉपी करो इसको, अब सुनो ध्यान से। ओके, ये तो हम समझ गए भैया, घर की बात बाहर आएगी तो नेगेटिविटी होगी होगी, घर की बात घर में रहेगी तो पॉजिटिव लगेगा। तो इंटरनल डिवीजन में हमेशा क्या लगेगा? प्लस साइन, एक्सटर्नल में क्या लगेगा? माइनस साइन। दो बातें और बतानी है, बोर्ड पर देखो जरा। चलो इस पॉइंट को पी कह देते हैं और इस पॉइंट को क्यू कह देते हैं। पी जिस रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, क्यू उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, भाई पी एम एस टू एन के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और क्यू एम एस टू एन के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, पी एंड क्यू
आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. ऐसे ही नहीं, जिस रेशियो में पी इंटरनली डिवाइड कर उसी रेशियो में क्यू एक्सटर्नली डिवाइड कर. रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए, तब हम बोलते हैं पी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यू है और क्यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट पी है. जैसे दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टू का रेसिप्रोकल हाफ, हाफ का रेसिप्रोकल टू, वैसे दो पॉइंट एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं. पी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यू और क्यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट पी, दो बिंदुओं को एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहेंगे. अगर एक इंटरनली डिवाइड करे दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड करे इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो. इधर देखो, इधर देखो, P एंड Q विल बी कॉल्ड, बोर्ड पर देखते रहे, बोर्ड पर देखते रहे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर इफ वन पॉइंट डिवाइड्स इंटरनली एंड अदर डिवाइड्स एक्सटर्नली. हाँ, बट इन द सेम रेशियो, लेकिन सेम रेशियो, एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करे एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करे, लेकिन इन द सेम रेशियो. क्या बात समझ में आई से बच्चों को, क्या बात समझ में आई से बच्चों को, एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करे एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करे इन द सेम रेशियो. अब मेरे मन में एक सवाल आया, गुरुजी केवल इन दोनों को कॉन्जुगेट कह देते, या अर्थमेटिक कॉन्जुगेट क्यों नहीं यूज किया, या ज्योमेट्रिक कॉन्जुगेट क्यों नहीं यूज किया, ये मतलब हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों कह रहे हो, केवल कॉन्जुगेट भी तो कह सकते थे. मतलब मैथ में अगर कोई शब्द है तो शब्द की बात है, तो वाई वी आर यूजिंग द वर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, वाई नॉट जस्ट कॉन्जुगेट, या अर्थमेटिक कॉन्जुगेट कहने में क्या दिक्कत थी, या ज्योमेट्रिक कॉन्जुगेट कहने में क्या दिक्कत थी, क्यों कह रहे हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट. मैं बताता हूं, मैं इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक ही लाइन पर सबको प्लॉट कर लो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, ये ए और बी है, क्यों हार्मोनिक कॉन्जुगेट, अर्थमेटिक कॉन्जुगेट क्यों नहीं, ज्योमेट्रिक कॉन्जुगेट क्यों नहीं, ये केवल कॉन्जुगेट क्यों नहीं, ये है पी और ये है क्यू. सुनना ध्यान से, क्यों है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, वाई द वर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, क्योंकि एपी डिस्टेंस, एबी डिस्टेंस, एक्यू डिस्टेंस ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाती है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब वन अपॉन एपी, वन अपॉन एबी, वन अपॉन एक्यू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल. हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिजल्ट, इसीलिए इसका नाम हार्मोनिक कॉन्जुगेट. अगर ये तीनों एपी बनाती हैं तो मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों का सम होना चाहिए, यानी टू अपॉन एबी शुड बी इक्वल टू वन अपॉन एपी प्लस वन अपॉन एक्यू. इसलिए ध्यान रखो, हर बात पूछा करो, केवल कॉन्जुगेट कह देते हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों का, तो अर्थमेटिक कॉन्जुगेट कहने में क्या दिक्कत हो जाएगी, ज्योमेट्रिक कॉन्जुगेट कहने में क्या दिक्कत हो जाएगी. हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एपी डिस्टेंस, एबी डिस्टेंस, एक्यू डिस्टेंस तीनों क्या बनाते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. यानी इनके रेसिप्रोकल ले तो वन अपॉन एपी, वन अपॉन एबी, वन अपॉन एक्यू क्या बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और तीन नंबर अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों के साथ. That is why, since AP, AB, AQ form a harmonic progression, since length AP, length AB, length AQ form a harmonic progression, that is why these are known as harmonic conjugate. क्या बात समझ में आई सब बच्चों, क्या बात समझ में आई सब बच्चों. इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करना है क्या, इतना कोई आवश्यक नहीं, बस एम बाई एन रेशियो बराबर करते हैं आंसर. क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्लियर है, और ये एचपी में है क्या ये क्लियर है, क्या सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है,
अब खेलेंगे कॉपी कर लो,